वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज योर फ्रेंड विशु फ्रॉम साइकिल राइडर रॉय। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं अपने साथ एक 50 से 60 किलोमीटर की राइड में। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग एज अ बिगिनर अभी राइड आप लोगों ने शुरू की है, एंड आप लोग भी चाहोगे कि 50 किलोमीटर का जो राइडिंग का मार्क होता है एक साइकिलिस्ट के लिए वो आप भी कंप्लीट करो। बिकॉज 50 किलोमीटर राइड का मतलब है एक हाफ सेंचुरी राइड पूरा करना, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है 100 किलोमीटर्स का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं अपने साथ राइड में, एंड मैं शेयर करने वाला हूं वो सारे टिप्स जिससे आप लोग भी बहुत इजीली एक 50 से 60 किलोमीटर की राइड कर सकते हो। सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन। ये मेहरोली और गुड़गांव के जो पूरा रोड है हाइवे उसमें पड़ता है। नाउ टिप नंबर वन विच आई डेफिनेटली रेकमेंड कि जब भी आप राइड पर निकलो हमें ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने साथ अपने स्पेयर्स लेके चलो, एक पंप एंड साथ ही साथ ट्यूब एंड पंक्चर रिपेयर किट आप अपने साथ हमेशा कैरी करो जब भी आप ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस राइड में जाते हो। नाउ टिप नंबर टू दैट आई वुड लाइक टू शेयर, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने साथ हाइड्रेशन ज़रूर लेके जाओ। मीन्स एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर का पानी आप अपने साथ ज़रूर कैरी करो जब आप पहली बार 50 किलोमीटर्स का राइड करना चाहते हो, बिकॉज पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप राइड करोगे स्पेशली इन समर्स आप बहुत ही ज़्यादा स्वेट निकलेगा, एंड स्वेटिंग होने की वजह से आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मिनिमम 1.5 से 2 लीटर का पानी अपने साथ कैरी करो, एंड हो सके तो उसके अंदर नमक एंड चीनी का थोड़ा सा मिक्सचर बना लो ताकि वो आपको हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करेगा। एक छोटा सा टिप जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस राइड में जाएं, मेक श्योर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट ना करो। मीन्स जब आप रोड पे चला रहे हो तो इस तरीके से ना चलाओ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा अपना पूरा एनर्जी लगा के आप उसमें राइड कर रहे हो। ऑल्सो जब भी आपके रूट में कोई फ्लाईओवर हो, मेक श्योर करें कि आप फ्लाईओवर में क्लाइंब करने से पहले ही अपने गियर्स को इजी गियर में स्विच कर लो ताकि आप बहुत इजीली उसको राइड कर सको। गाइस नाउ टिप नंबर 3 जो मैं शेयर करना चाहूंगा दैट इज वंस यू कंप्लीट 15 टू 20 किलोमीटर आप एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में आप चाहो तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो, और साथ ही साथ 5 मिनट के लिए आप अपने लेग्स एंड अपर बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर लो, जिससे आने वाले और भी जो किलोमीटर्स होंगे उसमें आपको राइड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी राइडिंग पार्टनर के साथ राइड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपकमिंग रूट एंड कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल वाइल राइडिंग ऑन रोड स्पेशली फॉर हाईवेज, मेक श्योर आप सिंगल लाइन फॉर्म में ही राइड करो एंड कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 seconds। डू नॉट ट्राई टू राइड इन पैरेलल विद लीड राइडर, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप लीड राइडर के साथ बिल्कुल बराबर में राइड कर रहे हो। इससे आपके दोनों को सेफ्टी को इश्यू हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपको अगर लेफ्ट या राइट टर्न लेना होगा तो इससे आपके साथ वाले राइडर को भी दिक्कतें हो सकती है। 3 to 5 seconds का गैप आपको इनफ टाइम प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ड्यूरिंग द राइड। सो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 25 किलोमीटर, नाउ वी आर हेडिंग बैक, एंड उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर 5 किलोमीटर्स हम लोग एक रेस्ट लेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत फूड वगैरह हम लोग खा लेंगे। सो अभी जो ये मैं पूरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ
ये मैं कर रहा हूँ अकाशो के कैमरे से, बिकॉज मेरा जो GoPro है वो ख़राब हो रखा है एंड उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई हैव टू फिगर आउट समथिंग, या तो मुझे जल्दी एक GoPro लेना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन इमेजिन कि इस कैमरे में पीछे का वॉइस पूरे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है जितना भी ट्रैफिक है, बिकॉज इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन का सपोर्ट नहीं है। सो सॉरी गाइज, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, आगे देखते हैं। सो अभी मैं पहुंचा था DLF साइबर सिटी में एंड यहाँ पे मेरे दो सब्सक्राइबर फ्रेंड मिल गए, इनका नाम है जयंत सत्यम। सो अच्छा लगा इन दोनों से मिलके। टिप नंबर 4 एंड प्रॉब्ली द लास्ट टिप, दैट इज कि जब भी आप ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने साथ इस तरीके के 2 बनानास या 3 या 4 बनानास रख लो। आप घर से भी खा के निकलो थोड़ा बहुत, एंड रास्ते के लिए भी आप इस तरीके से 2 बनानास ले सकते हो। बनाना के साथ साथ आप चाहो तो चिक्की, जिसको हम गुड़पट्टी बोलते हैं, आप उसको ले सकते हो, थोड़े बहुत चॉकलेट के कैंडीज़ या फिर हनी का आप छोटा सा पैकेट भी ले सकते हो ताकि आपको इंस्टेंट बूस्ट मिल सके। सो दिस टाइप ऑफ बनानास आर रियली गुड, ये आपको कार्बोहाइड्रेट भी देगा एंड साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देगा वापस अपने घर में रिटर्न जर्नी करने के लिए। नाउ गाइस, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे टिप्स आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं। अनदर टिप विच डेफिनेटली विल हेल्प यू, जब भी आप राइड पे जाते हो मेक श्योर कि आप हमेशा 15 से 20 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा वाटर का सिप लेते रहो। अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो आप किसी सड़क के कोने में रुक के आप वहाँ से पानी पी सकते हो, अदरवाइज आई रिकमेंड कि आप अपने पास एक हाइड्रेशन बैग खरीद लो, जैसे मैंने अभी पूरा लगा रखा है। इस तरीके के हाइड्रेशन बैग में आपको एक वाटर का पाइप मिल जाता है जिससे आप टाइम टू टाइम सिप ले सकते हो राइड करते हुए एंड आपको रुकना नहीं पड़ता। अनदर स्पेशल थिंग, ऑलवेज मेक श्योर कि राइड करते हुए आपके कान में ईयरफोन्स ना लगे हुए हो, बिकॉज उससे आपको अपकमिंग ट्रैफिक बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। अगर आपके पीछे से कोई बाइक वाला, कार वाला या गाड़ी वाला हॉर्न देता है तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। सो मेक श्योर आप कभी भी गलती से भी ईयरफोन्स लगा के राइड मत करना। अगर ईयरफोन्स लगाने ही हैं तो बोन कंडक्शन ईयरफोन्स आते हैं जो आपके ईयर को ओपन रखते हैं एंड आपको ट्रैफिक भी सुनाई देता है एंड सॉन्ग भी आप सुन सकते हो, तो उनका आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल बटन आइकन एंड मेरे को इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना @cycleriderroy टू गेट सम मोर अपडेट्स। अंटिल देन, कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।